हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। निर्जला एकादशी महामहोत्सव की जय। तो जैसा कि आप सभी वैष्णव जनों को विदित है, अगली एकादशी है निर्जला एकादशी, यानी कि उपवास करने का वह दिन जिस दिन वैष्णव जन पानी भी नहीं पीते। आप कहेंगे, अरे पानी नहीं पीते, आपका सर नहीं दुखता, आपका पेट नहीं सूखता, आपकी आंतुड़ियाँ नहीं सुकड़ती, आप बेहोश नहीं होते, आप मरते नहीं हो। नहीं, अगर हम उपवास करने की सही विधि का पालन करें, इससे हमारा शरीर निरोगी होता है। हमारा शरीर एक यंत्र है, जिस प्रकार हर यंत्र को थोड़ी देर रेस्ट लेने की आवश्यकता होती है, उसे सर्विसिंग की आवश्यकता होती है, उसे क्लीनिंग की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को भी रेस्ट की, क्लीनिंग की और सर्विसिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन हम शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देते। हम 365 दिन दिन में 2 बार 3 बार आहार ग्रहण करते हैं और कभी इसे बेचारे को रेस्ट ही नहीं लेने देते। इसी कारण से हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। हमारी पाचन शक्ति भी दिन पर दिन क्षीण होती चली जाती है। तो आइए हम जानते हैं वह सही तरीका, जिससे कि हम बिना किसी तकलीफ के अच्छे से निर्जला एकादशी का पालन कर सकें, जिससे कि हमें आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक शारीरिक लाभ भी प्राप्त हों। हमने इस उपवास को ठीक रूप से करने के लिए 3 दिन में बांट लिया है, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। पहला दिन वह दिन है जिस दिन हम निर्जला एकादशी की तैयारी करते हैं, यानी कि इसके अगले दिन निर्जला एकादशी आने वाली है। दूसरा दिन यानी कि निर्जला एकादशी वाला दिन, और तीसरा दिन यानी कि पारण करने का दिन, जिस दिन हम अपना उपवास खोलते हैं। अभी हम चलते हैं हमारे पहले दिन की तरफ, यानी कि वह दिन जिस दिन हमें निर्जला एकादशी की तैयारी करनी है। इस दिन हमें क्लीनिंग पे ध्यान देना होगा, बाहर की शुद्धि, शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि। बाहर की शुद्धि होगी साफ सफाई करने से, शरीर की शुद्धि होगी हेयर कट करने से, नेल कट करने से, शेविंग करने से और अच्छे से स्नान करने से, और मन की शुद्धि होगी अच्छे से हरि नाम का जप करने से। इसके बाद बात आती है आहार की, हम क्या आहार ग्रहण करें। आहार में खिचड़ी, चावल और मूंग की दाल छिलके वाली और हलवा, ये लेना सबसे अच्छा है। अगर आप बनवा सकते हैं तो इसे गाय के घी में बनवाएं, और दोपहर में 12 बजे के पहले ले लें। समय का बहुत ध्यान रखना, दोपहर में 12 बजे के पहले हमें लेना है, ताकि शाम तक हमारी खिचड़ी पूरी तरह से पच जाए। खिचड़ी को लेने के बाद हमें 1-2 घंटे तक पानी नहीं पीना, इसे अच्छे से पेट में पचाना है। जब आपको लगे कि हाँ अब हमारी खिचड़ी पच चुकी है और हमें अब पानी पीने की आवश्यकता है, तब आप जी भर के पानी पी सकते हैं। फिर जब आपको शाम को भूख लगेगी तो आपको अच्छे से फल फ्रूट्स लेना है, पेट भर के ले सकते हैं। और ये जो फ्रूट्स हैं, ये सीजन वाले फ्रूट्स होने चाहिए, ना कि कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए फ्रूट्स। हम तरबूज खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, आम खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं। अच्छा होगा आप शाम को 6-7 बजे तक ये फ्रूट्स ले लें, और उसके बाद रात में सोते समय तक आप पानी पी सकते हैं। रात में अच्छे से ब्रश करके आपको सोना है और शयन करना है। तो इस तरह से हमारा पहला दिन यानी कि निर्जला एकादशी के 1 दिन पहले वाला दिन पूरा हुआ। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे दिन की तरफ, यानी कि निर्जला एकादशी वाला दिन। इस दिन हमें सुबह 4 बजे उठना है। सुबह 4 बजे यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के भी पहले, ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है सुबह 4:10 पर, हमें उठना है सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे उठते से ही हमें पानी पीना है, किसी भी तरह का ब्रश कुल्ला नहीं करना। हमने रात में ही अपना मुंह बिल्कुल क्लीन किया था। 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास आप जितना पानी पी सकते हैं पी लीजिए। 4:10 के बाद हमें पानी नहीं पीना। इसके बाद आप स्नान कर सकते हैं, द्वादश अंग पर तिलक धारण करके, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप हरि नाम का जप कर सकते हैं, भगवद गीता का अध्ययन कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं। इस दिन हमें किसी भी तरह का प्रजल्प नहीं करना। हमें मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल नहीं करना। हमें दिन भर भक्ति करना है, और अगर आपने 1 दिन पहले वाला नियम अच्छे से पालन किया है तो आपको निर्जला एकादशी करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बच जाएगी शाम की 6। जब शाम की 6 बज जाएगी तो आपको अच्छे से स्नान करना है। स्नान करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपके मुंह में पानी ना जाए, मुंह बंद करके ही आपको स्नान करना है। उसके बाद रात हो जाएगी और आप शयन कर सकते हैं। हमें दिन में 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो हमें दिन में शयन नहीं करना, प्रगल्भ नहीं करना, फालतू में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, मनोरंजन नहीं करना, टीवी नहीं देखना, इस तरह की चीज़ों से हमें बचना है, और अच्छे से भक्ति करनी है। हमें शारीरिक श्रम करने से बचना है, ताकि हमारे शरीर से किसी भी तरह का पसीना ना निकले, क्योंकि अगर पसीना निकलेगा तो हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम पालन करेंगे तो हमारा निर्जला एकादशी वाला दिन बहुत अच्छे से बीत जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे दिन की तरफ, यानी कि वह दिन जिस दिन हमें निर्जला एकादशी का पारण करना है। इस दिन हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान करके, द्वादश अंग पर तिलक धारण करके अच्छे से हरि नाम का जप करना है। इसके बाद हमारे शहर के अनुसार जब भी पारण करने का समय हो, उस समय हमें पहले तो कुल्ला करना है, उसके बाद एक स्थान पर बैठ के मटके का पानी हमें 2-4 घूंट पीना है, ज़्यादा नहीं पीना।
दो चार घुट पांच घुट पानी पी के हम गिलास रख के फिर से एक माला हरि नाम का जप कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर दो तीन घुट पानी पी सकते हैं। इस प्रकार से दो बार पानी पीने के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए 15-20 मिनट। उसके बाद आप पहले जूस पी लीजिए। जूस आप पपीते का पी सकते हैं, वाटरमेलन का पी सकते हैं। मैं तो कहूँगा ये जो सीजन है ये बिल्ले का सीजन है, यानी कि बिल्व वृक्ष पर एक फल उगता है जिसको हम बिल्ला कहते हैं। आप अगर उसका जूस पियेंगे वो जूस आपकी आंतों के लिए, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप इस तरह से पहले जूस पी लीजिए, उसके बाद आप दोपहर में चाहें तो आहार ले सकते हैं, लेकिन ये आहार एकदम पेट भर के दाल बाटी वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने एक दिन पहले उपवास किया है और हमारा पेट पूरा खाली है। तो कम आहार लें और अच्छा होगा अगर आप आहार को गाय के घी में बनवाते हैं। तो अगर आप इस हिसाब से निर्जला एकादशी का उपवास करेंगे तो बिना किसी विघ्न के आपका निर्जला एकादशी का उपवास बहुत अच्छे से पूरा होगा और हमारा शरीर निरोगी होगा, अंदर से ताकतवर बनेगा और हमारी आहार शक्ति भी मजबूत होगी।